हेलो जी, नमस्कार आप सभी का। पहले तो गंदी आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी और आने वाले समय के सबसे बड़ी समस्या के बारे में, जो कि पॉल्यूशन और रेडिएशन के बारे में है, जिसके कारण हम इंसान के साथ साथ जानवर और पंछियों के बीमार और विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है। और तो और, ग्लोबल वार्मिंग और बेवजह मौसम चेंज होने का कारण भी यही है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन पंछियों के बारे में जिनसे कभी हमारा सवेरा हुआ करता था। बिना अलार्म लगाए उनके चहचहाने की आवाज़ से लोगों का सुबह और शाम गूंजा करता था। तो क्या आप जानते हैं वो कहाँ हैं, क्यों उनकी आवाज़ अब हमें सुनाई नहीं देती? दरअसल उनमें से कुछ विलुप्त हो चुके हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पे हैं, और इन सब का मुख्य वजह हम इंसान और हमारे वजह फैलाया हुआ प्रदूषण है और मोबाइल टावर के तेज रेडिएशन। मोबाइल टावर के रेडिएशन की वजह से उनके उड़ने और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ आती है, और यही तकलीफ उनके मौत का मुख्य कारण बनी है। हम इंसान 2G से 4G तक बहुत तेज़ी से पहुँच गए, लेकिन इसी तेज़ी से पंछियों की तादाद भी कम हो गई है, और हम इंसान और भी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी थोड़ी बहुत पंछियाँ जंगल में है उसे भी ख़त्म कर दें, क्योंकि हम इंसान की तादाद इतनी बढ़ रही है कि हमें रहने के लिए ज़मीन कम पड़ गई, और जिसके कारण हम जंगलों को काटते जा रहे हैं और लगातार पेड़ों की संख्या कम हो रही है। और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये पंछियाँ कहाँ रहेंगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर हमें सिर्फ म्यूजियम में पंछियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे हम अभी डायनासोर के कंकाल को देखते हैं। और जब सारी पंछियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ये दुनिया विनाश होने के थोड़ी और करीब पहुंच जाएगा। मेरा आज का ये वीडियो आप जैसे समझदार और बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोशिश करें कि हम कम से कम पेड़ काटें और ये 5G और 6G के पीछे ना भागें, क्योंकि इससे हमारा इंटरनेट तो बहुत तेज हो जाएगा लेकिन हमारी दुनिया ख़त्म होने के थोड़ी और करीब पहुंच जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी उन पंछियों को देख सके जिन्हें हमने देखा है, तो इस वीडियो को शेयर करें और पॉल्यूशन कम फैलाने के लिए लोगों को समझाएँ। जय हिंद।